हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीपल टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द स्क्वेयर नंबर सो ऑब्टेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 768 का क्या करना है, मल्टीपल में स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 768 को मल्टीपल करने के लिए हम लोग ठीक है एलसीएम की तरह इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। ठीक है, मतलब 768 को 2 2 3 जा 6, कैरी 1 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 3 जैसे कैसे हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 जैसे कैसे। ठीक है, 3 1 जा 3। ठीक है, 1 1 1। ओके, 768 इक्वल्स टू, देखिए अब जो हमने ये एलसीएम की तरह बनाया। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 2 2 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर और 3 का कोई पेयर नहीं बना। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, देयरफॉर 768 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए आप लोगों का नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर है। ठीक है, नाउ टू मेक 768 अ परफेक्ट स्क्वेयर द 3 गेट्स अ पेयर, सो We multiply 768 by 3, यानी कि 768 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आप लोगों का पेयर बन जाएगा 2 × 2 2 × 2 3 × 3, क्योंकि 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 768 को, तो ये हम लोगों को पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 768 × 3, ठीक है, आंसर आएगा 2304। ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, 2304 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 768 विच इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर रूट 2304 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी 48। 48 का ही आप लोगों का क्या है, स्क्वेयर रूट। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द स्क्वेयर नंबर सो ऑब्टेन। जैसे हमने अभी जिसका पेयर नहीं बनता था उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, वैसे ही आप लोगों को जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे आप लोगों को जो वैल्यू दी गई उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का परफेक्ट स्क्वेयर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमने मल्टीप्लाई के लिए मेथड यूज़ की थी, वैसे ही आप लोगों को डिवाइड के लिए यूज़ करना है और सॉल्व करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क। ओके, थैंक यू।